हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव फ्रॉम श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट पटना। आज मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है। परम्यूटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन मीन्स होता है सिलेक्शन। परम्यूटेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। जैसे मान लेते हैं अलजेब्रा, कैलकुलस और ट्रिगोनोमेट्री, ये तीन बुक है किसी टेबल पर एक ऑर्डर में रखा हुआ है। पहले अलजेब्रा है, फिर कैलकुलस एंड देन ट्रिगो। अगर अलजेब्रा और कैलकुलस के ऑर्डर को बदल दें तो ये अरेंजमेंट बदल जा रहा है। यानी जहां ऑर्डर चेंज करने से चेंजिंग हो जाए तो अरेंजमेंट का केस होता है और उस अरेंजमेंट को हम परम्यूटेशन कहते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि बुक को बुक सेल्फ पर या टेबल पर अरेंज करना, ये परम्यूटेशन का काम है। यानी जब कभी प्रॉब्लम बुक से रिलेटेड रहे कि इसको कितने तरीका से किसी टेबल पर अरेंज कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर परम्यूटेशन के फार्मूला को अप्लाई करेंगे। परम्यूटेशन का अर्थ होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का अर्थ होता है एक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ। यानी ऑर्डर चेंज करने से अगर चेंजिंग हो जाए तो वह अरेंजमेंट का केस होगा और उसे परम्यूटेशन कहेंगे। एक वर्ड लेते हैं पटना। इस पटना में 5 लेटर्स है। फर्स्ट और सेकेंड लेटर को अगर इंटरचेंज कर दें, यानी आपस में अगर बदल दें, ए के जगह पी को और पी के जगह ए को ला दे, तो वर्ड जो बनेगा अपटना हो गया। यानी ये जो पटना वर्ड था वो चेंज हो गया। तो यहाँ फिर देख रहे हैं कि पटना में 5 लेटर्स है। किसी भी 2 लेटर्स के ऑर्डर को अगर चेंज कर देते हैं तो ये अरेंजमेंट बदल जा रहा है। ऑर्डर बदलने से वर्ड चेंज हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्ड का फॉर्मेशन करना, लेटर्स का यूज करके वर्ड का फॉर्मेशन करना, इट इज ए केस ऑफ परम्यूटेशन। तो जब कभी प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्ड्स फॉर्मेशन रहे, यानी लेटर्स का यूज करके वर्ड बनाने को कहा जाए, पूछा जाए कि ये लेटर्स का यूज कर कितने वर्ड बना सकते हैं, तो वहां हम परम्यूटेशन के फॉर्मूला का यूज करेंगे। 1, 2, 3, 4 हमारे पास ये 4 अंक है, 4 डिजिट्स है। अब इसमें से किसी भी 3 डिजिट्स का यूज कर किसी भी 3 अंकों का यूज करके हम नंबर बनाना चाहते हैं। तो एक नंबर बना 123। इस नंबर में 3 डिजिट्स हैं। अगर फर्स्ट और सेकेंड डिजिट्स के ऑर्डर को चेंज कर दें तो ये नंबर चेंज हो जा रहा है। यानी जो बना रहे हैं हम, जो हम बना रहे हैं उसके ऑर्डर में चेंज कर देते हैं तो नंबर चेंज हो जा रहा है। यानी चेंजिंग आ जा रहा है। तो चेंजिंग आ जाए तो वह केस होता है अरेंजमेंट का, और अरेंजमेंट को तो परम्यूटेशन कहते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि डिजिट्स का यूज करके नंबर बनाना परम्यूटेशन का काम है। तो जब कभी डिजिट्स दिया हुआ रहे और नंबर का फॉर्मेशन कहा जाए, बनाने का नंबर को फॉर्म करने को कहा जाए, तो वहाँ हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और जब कभी नंबर्स बनाने को कहा जाए तो सबसे पहले हम यह डिसाइड करते हैं कि नंबर कितना डिजिट्स का बनेगा। नंबर कितना डिजिट्स का बनेगा अगर ये पहले से दिया हुआ है तो ठीक है,
अदरवाइज सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे एंड देन वी प्रोसीड। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लेते हैं किसी प्लेन में 5 पॉइंट्स है। अब किसी 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर हम ट्रेंगल बनाते हैं। इस ट्रेंगल का नाम देते हैं ABC। अब ये ट्रेंगल है ABC। इस ट्रेंगल्स में वर्टिसेज के ऑर्डर को अगर चेंज करें तो दूसरा ट्रेंगल मिलता है BCA। लेकिन ये ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल BCA ये दोनों का दोनों सेम है, यानी ट्रेंगल में वर्टिसेज के ऑर्डर को चेंज करने से ट्रेंगल में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ट्रेंगल बनाना कॉम्बिनेशन का केस है। इनफैक्ट ट्रेंगल हो या कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन बनाना ये कॉम्बिनेशन का केस है। तो जब कभी पॉलीगन बनाने को कहा जाए, यानी ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ ट्रेंगल्स, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड सो ऑन, तो वहां पर हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला का यूज करेंगे और प्रॉब्लम बनाएंगे। अब मान लेते हैं हमारे पास 4 लेडीज हैं और 6 जेंटलमैन हैं। इसमें से 5 पर्सन्स का कमिटी बनाना है, 5 पर्सन्स का कमिटी बनाना है इस प्रकार से कि उस कमिटी में 1 लेडी रहे और 4 जेंटलमैन रहे। ये 5 पर्सन्स का कमिटी बनाना है। तो ये 5 पर्सन्स का जो कमिटी बनाएंगे, अब देख लेते हैं उस कमिटी में जितने मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं उस कमिटी में, उसके ऑर्डर को चेंज करने से कोई चेंजिंग होता है या नहीं। तो कमिटी में जितने भी पर्सन्स हैं वो सबको आपस में अगर इधर से उधर करें, आगे पीछे करें, तो क्या कमिटी चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। कमिटी जो है 5 पर्सन्स का, अगर ABCDE का मान लिया जाए, सबको आपस में इधर से उधर किया जाए, तब भी कमिटी चेंज नहीं होता है। यानी कमिटी बनाना किसका केस होगा? ये कॉम्बिनेशंस का, क्योंकि कमिटी में जितने भी पर्सन्स हैं वो सभी के ऑर्डर को चेंज करते हैं, तो कोई चेंजिंग नहीं होता है कमिटी में। इट मींस वी कैन से दैट टू फॉर्म ए कमिटी इज ए केस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो जब कभी कमिटी बनाना हो तो वहां पर हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये तो बेसिक कंसेप्ट था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। परमुटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है, ये हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब कुछ इसके प्रिंसिपल्स को देखते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहा जाता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 प्रिंसिपल हैं कि कब ऐड करेंगे और कब मल्टीप्लाई करेंगे। ऐड करने में हम उसको कहते हैं एडिशन रूल, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको मल्टीप्लीकेशन रूल कहते हैं। एडिशन रूल, जब कोई वर्क ए को करने का एम तरीका हो और किसी दूसरे वर्क बी को करने का एन तरीका हो, तो दोनों में से किसी एक को करने का तरीका हो जाता है M+N। मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या होता कि जब दोनों एक साथ किया जाए तो दोनों ए और बी को एक साथ करने का तरीका हो जाएगा M×N। इस रूल को हम मल्टीप्लीकेशन रूल कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल। एडिशन रूल को समझते हैं। मान लेते हैं किसी रूम में 3 डोर्स है लेफ्ट साइड से और 2 डोर्स है राइट साइड से। इसमें कोई पर्सन है, अब ये बाहर जाना चाहता है तो कितने तरीका से जा सकता है? इसके लिए 2 ही ऑप्शंस है, या तो लेफ्ट साइड से जाए या फिर राइट साइड से जाए। लेफ्ट साइड से जाने का 3 रास्ता है, राइट साइड से जाने का 2 रास्ता है। तो या तो ये लेफ्ट साइड से जाएगा या फिर राइट साइड से। तो यहां टोटल वेज कितना हो जाएगा?
3 फ्रॉम लेफ्ट एंड 2 फ्रॉम राइट विच इज इक्वल टू 5, यानी यहाँ 5 वेज होगा इसको बाहर जाने का। ऐसा नहीं है कि एक बार ये लेफ्ट से गया फिर अंदर आकर राइट से जाएगा, ऐसा इन जनरल नहीं होता है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई काम एक समय में कोई एक ही काम होगा, इसी से हम यहाँ ऐड किए। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई ए प्लेस है, कोई दूसरा बी प्लेस है और तीसरा प्लेस सी है, एक स्थान ए दूसरा स्थान बी और तीसरा स्थान सी है। अब ए से बी तक जाने का अगर 3 रास्ता हो और बी से सी तक जाने का 2 रास्ता हो, तो कोई भी आदमी ए से बी होते हुए सी तक कितने तरीका से जा सकता है? तो ए से बी में जाने का रास्ता 3 और बी से सी तक जाने का रास्ता 2 है, तो टोटल यहाँ रास्ता हो जाएगा 3 × 2 = 6। कैसे हो जाएगा? यहाँ से चले यहाँ तक आए 1 रास्ता, फिर यहाँ से चले यहाँ तक आए 2 रास्ता, फिर यहाँ से चले ये आए 3 वेज, फिर यहाँ से आए 4 वेज, फिर यहाँ से चले 5 वेज और फिर यहाँ से आए ये 6 वेज। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई 2 या 2 से ज़्यादा काम एक साथ करे तो वहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 वर्क के लिए ले रहे हैं, ये 2 से ज़्यादा वर्क के लिए भी ये वैलिड है कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 रूल होते हैं, एडिशन रूल और मल्टीप्लीकेशन रूल। एडिशन रूल तभी अप्लाई करेंगे जब और का सेंस आए, मल्टीप्लीकेशन रूल तब अप्लाई करेंगे जब एंड का सेंस आए। तो ये दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, जिसमें एडिशन रूल और मल्टीप्लीकेशन रूल है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम देखते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी मेड विथ द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 and 6। क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी मेड विथ द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 and 6। इनफैक्ट 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर बनाएंगे वो 3 अंक का ही होगा, 3 डिजिट्स का ही होगा। तो ये क्वेश्चन में इन जनरल नहीं दिया हुआ रहता है, यानी क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी मेड विथ द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 and 6 इफ नो डिजिट इज बीइंग रिपीटेड, यानी किसी भी डिजिट को अगर दोहराया नहीं जाए तो 100 से 1000 के बीच में कितने संख्या हम बना सकते हैं? 1 से लेकर 6 अंकों का यूज करना है, 1 से लेकर 6 तक का यूज करते हुए, 1 से लेकर 6 तक का यूज करते हुए 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर हम बना सकते हैं? तो दोस्तों जब कभी नंबर बनाना हो तो सबसे पहले हम यह डिसाइड करते हैं कि जो नंबर बनाएंगे वो कितने अंकों का होगा। अगर ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है देन इट्स ऑल राइट, तो ये ठीक है। अदरवाइज हम यह डिसाइड करेंगे कि जो भी नंबर बनाते हैं वो कितने अंकों का नंबर बनेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर बनेगा वो 3 अंकों का बनेगा, 3 अंकों का बनेगा, यह तो हम डिसाइड कर लिए। जब यह हम डिसाइड कर लिए कि नंबर 3 अंकों का बनेगा, तो सबसे पहले हम 3 बॉक्स बनाएंगे। जितना अंक का नंबर बनाना हो उतना ही बॉक्स बनाते हैं, तो हम ये 3 बॉक्स बना दिए। ये 3 बॉक्स बना दिए। अब इस 3 बॉक्स को भरने का जितना तरीका होगा
उतना ही तीन अंकों का नंबर बनेगा। तीन अंकों का नंबर बनाना यानी थ्री डिजिट्स को अरेंज करना, तीन अंकों का अरेंज करना, क्योंकि परमुटेशंस का मीनिंग ही होता है अरेंजमेंट, और नंबर बनाना तो परमुटेशंस का केस है, और यहाँ डिजिट्स को क्या करना है दोस्तों, अरेंज करना है। तो हमारे पास ये सिक्स डिजिट्स है, किसी भी डिजिट से किसी भी बॉक्स को पहले भरा जा सकता है। तो सबसे पहले यदि हम फर्स्ट बॉक्स को भरे तो हमारे पास छह अंक है, छह में से किसी भी एक अंक से इसको भर सकते हैं। तो इसको भरने का कितना तरीका हो जाएगा, सिक्स वेज, छह में से कोई भी एक अंक इसमें आ सकता है। अब अगला बॉक्स को भरना है तो जो भी एक अंक आ जाएगा वो यहां अब नहीं आ सकता है, यानी अब हमारे पास इस बॉक्स को भरने का कितना तरीका हो जाएगा, फाइव वेज, क्योंकि अब पांच ही अंक बचेगा। तो इसको भरने का तरीका हो जाएगा फाइव वेज, और फिर इसको भरने का तरीका हो जाएगा फोर वेज। अब सभी बॉक्स को तो एक साथ भरना है तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर के लिए क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर, सिक्स फाइव या थर्टी, थर्टी फोर या कितना होगा दोस्तों, 120, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो यहां पर 100 से 1000 के बीच में 120 नंबर बनेगा, एक दो तीन चार पाँच और ये छः का यूज करते हुए जो हम नंबर बनाएंगे वो सभी नंबरों का संख्या हो जाएगा, सभी नंबरों का नंबर हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 120। अब एक अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 एंड 4000 कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अब हमको जो नंबर बनाना है 300 से 4000 के बीच में, यानी जो नंबर बनेगा वो या तो तीन अंक का होगा या फिर चार अंक का। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट करते हैं जब नंबर तीन अंकों का बने, जब नंबर थ्री डिजिट्स का बनेगा तो कितना बॉक्स बनाएंगे, तीन बॉक्स बनाएंगे। और जब तीन अंकों का नंबर बनेगा तो वो 300 से बड़ा होना चाहिए, यानी फर्स्ट प्लेस पर या तो थ्री आएगा या फोर आएगा या फाइव आएगा या सिक्स आएगा। तो इसको भरने का कितना तरीका हो जाएगा, एक दो तीन चार, यानी चार बेज हो जाएगा, फोर बेज हो जाएगा। अब हमारे पास ये छः में से एक अंक तो यहाँ आ गया तो बचेगा पाँच अंक, तो इसको भरने का तरीका हो जाएगा फाइव बेज, और इसके लिए हो जाएगा एक कमेगा यानी फोर बेज। तो इस केस में नंबर कितना बनेगा, 4 into 5 into 4 विच इज इक्वल टू 80 बनेगा, 80। अब जब नंबर चार अंकों का बनेगा तो चार अंकों का देखते हैं, चार अंकों का जब बनेगा केस टू इसको करेंगे, जब नंबर फोर डिजिट्स का बने तो चार बॉक्स बनाएंगे, और 4000 से छोटा नंबर होना चाहिए, यानी फर्स्ट प्लेस पर अब क्या क्या आ सकता है, या तो वन आएगा या टू आएगा या फिर थ्री आएगा। तो इसको भरने का तरीका थ्री वेज। अब छः में से एक अंक यहाँ आ गया तो बचेगा पांच अंक, तो इस बॉक्स को भरने का कितना तरीका, पांच वेज, इसके लिए हो जाएगा फोर, इसके लिए हो जाएगा थ्री वेज। तो इस केस में कितना नंबर बनेगा, सब काम एक साथ करना है, सभी बॉक्स को एक साथ भरना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 4 4 60 180,
यानी इस केस में नंबर बनेगा 180। तो दोस्तों टोटल नंबर कितना बन जाएगा, 80 आया था फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में 180, तो टोटल कितना हो जाएगा 260। यही हमारा नंबर, टोटल नंबर्स जितने भी नंबर्स होंगे सभी का यह संख्या हो जाएगा। अब कुछ आगे देखते हैं, एक वार्ड लेते हैं बिहार। बिहार में 5 लेटर्स है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इस बिहार वार्ड में जितने भी लेटर्स है सभी लेटर्स का यूज कर कर कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, चाहे वो सभी वर्ड्स का मीनिंग हो या मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस हो। तो इस बिहार में 5 लेटर्स है, तो 5 लेटर्स का ही वर्ड बनेगा। तो जितना वर्ड बनेगा, जितना भी लेटर्स का वर्ड बनेगा उतना बॉक्स बना देंगे। ये 5 बॉक्सेज बना दिए। अब 5 लेटर्स का उतना ही वर्ड बनेगा जितना कि ये 5 बॉक्सेज को भरने का तरीका होगा। तो भरने का तरीका के लिए सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स को भरते हैं, तो इसके लिए 5 बेज। फिर हमारे पास 4 लेटर्स बचेगा, तो इसके लिए 4 बेज। इसी प्रकार 3 बेज, 2 बेज एंड 1 बेज। तो टोटल के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1 विच इज इक्वल टू 120। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर कुछ लेटर्स आइडेंटिकल होता तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक वर्ड है, इसमें 11 लेटर्स है। सभी लेटर्स का यूज कर कर कितने वर्ड बना सकते हैं, तो टोटल का फैक्टोरियल, और इसमें जितने भी आइडेंटिकल है, जैसे ए है 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल, टी है 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल, और फिर एम है 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या किए, टोटल लेटर्स 11 है तो 11 का फैक्टोरियल कर दिए। अब ए है 2 बार तो 2 का फैक्टोरियल किए, एम है 2 बार तो 2 का फैक्टोरियल किए, टी है 2 बार तो फिर ये 2 का फैक्टोरियल किए। इसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे अगर फैक्टोरियल 5 की बात करें तो ये है 1 से लेकर 5 तक का प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन, और उसको ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे, इसको हम फैक्टोरियल एन पढ़ते हैं। फैक्टोरियल एन जो होता है 1 से लेकर एन तक का प्रोडक्ट होता है। जैसे अगर फैक्टोरियल 5 की बात करें, ये फैक्टोरियल 5 है तो ये 1 से लेकर 5 तक का या 5 से लेकर 1 तक का ये प्रोडक्ट होता है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा फैक्टोरियल के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। अगर फैक्टोरियल 5 की बात करें तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 120 आता है। कैसे आ जाता है, 1 से लेकर 5 तक का जब प्रोडक्ट करोगे तो 120 आएगा। इसके एंड में कितने जीरो हैं, 10। अगर फैक्टोरियल 10 को कैलकुलेट करोगे तो ये तुम 1 से लेकर 10 तक का प्रोडक्ट लिखोगे, और जब ये कैलकुलेट करोगे तो इसके एंड में भी जीरो का संख्या होगा, 120 या कितना भी जीरो हो सकता है, जो आना होगा सो आ जाएगा। तो बिना ये सब कैलकुलेट किए हुए, बिना लिखे हुए किसी भी फैक्टोरियल के एंड में जीरो का संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कि नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इन द एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल हंड्रेड, फैक्टोरियल हंड्रेड की एंड में कितने जीरो होंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हंड्रेड को फाइव से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा ट्वेंटी, फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 24, यानी 100 के फैक्टोरियल 100 के इंड में जीरोज का संख्या हो जाएगा 24। कभी कभी प्रश्न ऐसा आएगा कि फैक्टोरियल 100 अपॉन 10 टू द पावर n, एक इंटीजर है तो n का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू उतना ही होगा, एन का ग्रेटेस्ट वैल्यू उतना ही होगा जिसके लिए पूरा का पूरा फैक्टोरियल 100 10 के पावर एन से डिवाइड हो जाए, तो एन एन मैक्सिमम कितना हो सकता है, उतना ही होगा जितना कि इसके इंड में जीरो का संख्या होगा, और वो जीरो का संख्या कितना होता है 24। यानी यहाँ एन का ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा 24। बहुत सारे कंसेप्ट है रिलेटेड टू फैक्टोरियल एक्सपोनेंट, किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम का एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं। जैसे कहा जाए कि फैक्टोरियल 100 में 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा, एक्सपोनेंट का अर्थ होता है जैसे फैक्टोरियल 5 को हम 1 × 2 × 3 × 4 × 5 लिखते हैं, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 के पावर 2 यानी 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। यहाँ हम देखते हैं कि इस फैक्टोरियल 5 में 2 का एक्सपोनेंट 3 है, तो यहाँ तो 5 छोटा सा नंबर था तो हम किसी प्राइम के एक्सपोनेंट को ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन जब बड़ा रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे कहा जाए कि फैक्टोरियल 100 में 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा, तो ये कैसे निकालेंगे, जो हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो हम बताने जा रहे हैं दैट इज मोर देन इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 फैक्टोरियल 100 के इन में 2 का एक्सपोनेंट निकालना है, फैक्टोरियल 100 में 2 का एक्सपोनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 100 को 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 50, फिर जो आया उसको 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 25, और जो 25 आया फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, और सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लिखना है, 25 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 12.5, लेकिन दशमलव के बाद वाला नहीं लिखना है, सिर्फ 12 लिखना है, अब फिर 12 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 6, अब फिर 6 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3, फिर 3 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 1.5, लेकिन दशमलव के बाद वाला जो अंक है उसको नहीं लिखना है, अब सबको ऐड करो, इसके बाद डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 1 तो 2 से डिविजिबल है ही नहीं, आगे कोई इंटीजर आएगा ही नहीं, अब सबको ऐड करेंगे तो 50 में 25 जोड़ेंगे 75, फिर 12 जोड़ेंगे 87, 87 में 6 जोड़ेंगे तो 93, और 3 96 97, यानी टोटल कितना हो जाएगा 97। तो हम कह सकते हैं कि इस फैक्टोरियल 100 में 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा 97। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फैक्टोरियल 100 अपॉन 2 टू द पावर n, एक इंटीजर है तो n का वैल्यू क्या होगा, तो n का वैल्यू ऑप्शन में अगर रहे 96 या 86 रहे, सेकंड रहे 89, थर्ड रहे 94 और फोर्थ रहे 97, तो यहाँ जितना भी देख रहे हैं या तो 97 है या 97 से कम है, तो ऑल आर द करेक्ट आंसर्स, 97 से बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि इसका इसमें 2 का एक्सपोनेंट 97 आएगा, 97 आएगा तो 2 के पावर 97 2 के पावर 86 से भी डिविजिबल है, कैंसिल होगा, एक फैक्टर तो आएगा ही ना,
और फिर 2^89 से भी डिविजिबल है, कैंसिल हो ही जाएगा, कैंसिल हो गया इंटीजर आ जाता है तो वह डिविजिबल होता है। डिविजिबिलिटी का भी दोस्तों कुछ कंसेप्ट है, कभी विचार कीजिए कि ये 0 by कोई भी नंबर ये 0 कैसे आ जाता है, कभी इस पर विचार कीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन। आपको ये डिवीजन का मीनिंग जानना ही चाहिए, ये मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन आज ये नहीं, दूसरे क्लास में इस पर आपको विचार करने के लिए मैं दे दे रहा हूं कि 9 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये इंटीजर नहीं आता है, 8 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये इंटीजर आता है कटकर। तो दोस्तों ऐसा क्यों, इंटीजर आने पर डिविजिबल है, इंटीजर नहीं आने पर डिविजिबल नहीं है। डिविजन का कंसेप्ट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, इसी से मैंने इसका डिस्कशन किया। इस पर विचार करना है, 0 by कोई भी नंबर 0 कैसे हो गया इस पर सोचना है, कोई भी नंबर बाई 0 ये अनडिफाइंड हो गया ये कैसे हो गया इस पर भी सोचना है, इस पर भी कभी हम चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। आप सभी लोग श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट का ये वीडियो जो कि प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव मेरा नाम हुआ का कंटिन्यू देखते रहेंगे, ये सब कुछ आपके सामने आते रहेगा, हर एक बेसिक कंसेप्ट आते रहेगा। आज मैं जब ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो मैंने एक क्वेश्चन राइज किया, कोई भी स्टूडेंट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्वेश्चन था कि 0.9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 0.9 ही होगा। बहुत सारे लोगों का आंसर था, किसी का 0.3 किसी का 0.03, बट ऑल आर जितने भी जो आंसर दे रहे थे वो सभी गलत बता रहे थे। 0.9 का स्क्वायर रूट 0.9 कैसे हो गया, इसको चाहे तो आप कैलकुलेटर से, आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है उस कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, फर्स्ट प्लेस पर यही डिजिट आएगा, उसके बाद फिर 4 आए या जो भी आए, कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं ये भी हम चर्चा करेंगे। आप हमारा ये श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट का वीडियो कंटिन्यू देखते रहें और इसको सब्सक्राइब कर लें, आपको निश्चित रूप से आप कहीं भी रहें किसी भी एग्जाम का तैयारी करें, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा, जानकारी कभी भी बेकार नहीं होती है, हमेशा सीखने की इच्छा करें, सीखते रहें, इवन आपके वो लास्ट डे भी क्यों ना हो इस अर्थ पर फिर भी सीखने का कोशिश करें, ये सीखना एकदम जारी रखें। जिस दिन सीखना छोड़ देते हैं उस दिन समझिए हम थक गए, थकना कभी नहीं है, हारना कभी नहीं है, जब कभी हारना महसूस हो आप हरिवंश नारायण बच्चन का पोएम याद कीजिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस पंक्ति को अपने रूम में लिख कर चिपका दीजिए, उसको पढ़िए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। दोस्तों हमेशा लगे रहना है, सीखते रहना है, सीखना कभी छोड़ना नहीं है। मैथमेटिक्स में याद नहीं करना है, समझना है, अगर समझ जाते हैं तो अपने आप वो याद रहेगा और वो कभी नहीं भूलेंगे, याद नहीं करना है। और एक शेड्यूल होना चाहिए, मनन कीजिए, कम ही देर पढ़िए, उस बात को मनन कीजिए। दोस्तों परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में तो बहुत सारे चीजें हैं सीखने के लिए, सभी चीजें को एक समय में एक ही टाइम पर सीखा नहीं जा सकता है, धीरे धीरे हम सीखेंगे। अगले क्लास में हम सीखेंगे कि अगर ये जैसे 1 2 3 4 ये 4 डिजिट हमारे पास है, ये 4 अंक है हमारे पास, ये चारों अंकों का यूज करके जितना भी संख्या बनेगा, संख्या जैसे एक बना 1 2 3 4, दूसरा संख्या 4 3 2 1, तीसरा संख्या 3 4 1 2, इस प्रकार बहुत सारे संख्या बनेगा। दोस्तों आपको मैं सिखाऊंगा कि बिना वो संख्या बनाए हुए, बिना जोड़े हुए उसका जोड़ क्या होगा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। दोस्तों तो आप श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें और लगातार वीडियो देखते रहें, एक दिन भी छोड़े नहीं, क्योंकि आज का काम अगर कल पर छोड़ देंगे तो फिर कल का काम कब करेंगे। दोस्तों आज का काम आज ही करना है, हर हाल में करना है, सबसे पहले पढ़ाई का प्रायोरिटी होना चाहिए। कोई भी रिश्तेदार कोई भी रिलेटिव काम से नहीं आता है, ये आपका पढ़ाई ही, आपका ये कैरियर ही आपका काम आने वाला है। दोस्तों
ये हमेशा याद रखें, पढ़ेंगे तो सब आपके पीछे रहेंगे, जब कुछ कर जाएंगे कुछ नहीं करेंगे तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है दोस्तों। तो मैं ये कल सिखाऊंगा कि ये अंकों का यूज कर कर जितना भी नंबर्स बनेगा वो बिना नंबर बनाए हुए, बिना जोड़े हुए, वो सब का जोड़ क्या होगा, कल मैं ये सिखाने वाला हूँ। दैट विल बी इम्पोर्टेंट। सो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। डेट्स ऑल। थैंक यू। हमेशा श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें।